the merciful, respected student friend Farber. You are most welcome in our online academy, the ESL Academy. The ESL Academy of Linguistic and Literature में आप सबका खैर मकदम है और आज हम डिस्कस करेंगे जोनाथन स्विफ्ट की लाइफ को. जोनाथन स्विफ्ट आयरलैंड डुबलिन आयरलैंड के अंदर पैदा हुए 1667 में. इनकी मदर इंग्लैंड से ताल्लुक रखती थी और इनके फादर जो हैं वो आयरलैंड से ताल्लुक रखते थे. उस वक्त क्वीन एन जो थी वो हुक्मरानी कर रही थी इंग्लैंड, पोलैंड और आयरलैंड. ये थ्री स्टेट की एक ही वो मलका थी. दो पॉलिटिकल पार्टीज जो थी उस वक्त बड़ी प्रोमिनेंट थी. मैंने पहले भी उसका नाम लिखवाया, आज फिर बता देता हूँ, थोरे और विक. थोरे और विक जो है ये दोनों बड़ी प्रोमिनेंट थी. जोनाथन स्विफ्ट पहले टोरे के साथ था, लेटर इसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चेंज किया विक, क्योंकि ये डीन बनना चाहता था एक इंग्लैंड की एक कैथेड्रल का चर्च था, उसका डीन बनना चाहता था. तो विक पार्टी ने इसको सपोर्ट किया और अल्टीमेटली उससे ये बनता है. अर्ली एजुकेशन इसने खेलखैनी ग्रामर स्कूल था आयरलैंड के अंदर, वहाँ से हासिल की और 1682 से 1686 तक ट्रिनिटी कॉलेज इन डुबलिन उसको ज्वाइन किया. 1689 में ही वेंट टू इंग्लैंड एंड होप टू गेन फॉर गुड जॉब इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में क्योंकि उस वक्त आयरलैंड के हालात इतने अच्छे नहीं थे, इंग्लैंड के अच्छे थे, तो इंग्लैंड में इसकी मदर रहती थी, तो ये वो मदर के पास जाता है. मदर के तालुकात बड़े अच्छे लोगों के साथ थे, एरिस्टोक्रेटिक लोगों के साथ थे. विलियम टेम्पल, ही वर्कड एज अ सेक्रेटरी ऑफ विलियम टेम्पल. विलियम टेम्पल टेम्पल की एक बड़ी खूबसूरत इलिजिटिमेट बेटी थी, उसका नाम था ईस्थर जॉनसन. ही मेट एंड शी वॉज इम्प्रेस्ड फ्रॉम हिम एंड ही ऑल्सो टॉट हिम. शी वॉज 9 year ओल्ड, ही स्टार्टेड टीचिंग and she was impressed and influenced from his knowledge. He told her lot of stories, lot of experiences, whatever he did during his life. He told and she was impressed. Aur isne usko naam diya Stella. That was very beautiful name. To isne ye usse bade pasand karte the and he loved and ultimately they both got married. विलियम टेम्पल की एक लाइब्रेरी थी मूर पार्क में, वो रहते थे इंग्लैंड के अंदर और वहाँ उसकी लाइब्रेरी तक इसने एक्सेस हासिल की और उसने द बैटल ऑफ राइटर के नाम से एक बुक जो है इसने सबसे पहले बुक लिखी, उसका नाम क्या था, बैटल मंगस द राइटर, द बैटल ऑफ द बुक्स. ये बैटल ऑफ द बुक्स ये मुख्तलिफ राइटर्स के दरमियान एक फाइट थी, यानी जो एंशियंट और पुराने राइटर्स हैं और न्यू राइटर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, उसके ऊपर लिखी थी. सबसे पहले एक ऐसे था जो इसी टॉपिक के ऊपर विलियम टेम्पल ने लिखा था, इसने वो आइडिया वहां से चुराया था. अ टेल ऑफ द टॉप इसने लिखी थी. ये थ्री ये बेसिकली एक अमेंडमेंट थी, तीन लोगों को रिफ्लेक्ट करती थी कि थ्री लोग हैं, थ्री यानी सन हैं और वो अपने जो अबाउ जदाद हैं उनकी जो बुक्स हैं उनके कहे हुए नॉलेज उनके जो उनकी ट्रेडिशन है उससे कैसे वो डिविएट करते हैं, उसको कैसे ग्रेजुअली चेंज करते हैं. अगर हम देखा जाए तो जैसे इंग्लैंड जैसे स्पेशली जो चर्च से रिलेटेड लोग हैं उन्होंने बाइबल के अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट कर रखी हैं और वी स्टिल बिलीव दैट दे हैव चेंज लॉट ऑफ थिंग्स. तो बाइबल के अंदर जैसे बहुत सारी चेंजेस हैं इसी तरह इन लोगों ने वो अ टेल ऑफ द टब के अंदर वो शो करता है कि थ्री जो बेटे थे एक यानी पेरेंट्स हैं उनके थ्री बेटे थे और वो थ्री बेटे कैसे उनके बनाए हुए असूल को तोड़ते हैं और वो उनसे थ्री बेटों से मुराद है एंग्लिकन, कैवलिन्स एंग्लिकन एंड रोमन कैथोलिक्स. तो रोमन कैथोलिक, एंग्लिकन और प्रोटेस्टेंट और जो तीसरा एंग्लिकन और प्रोटेस्टेंट सेम होते हैं, ठीक है. और उसके बाद कैल्वियंस, तो कैल्वियंस ये थ्री बेटे हैं और वो कैसे वो चेंज करते हैं अपनी वो उनको एक एलिगोरिकल वर्क था ये भी. तो इस तरह इसने डिफरेंट पोएम्स, ये एक प्रोज राइटर भी था, पोइट भी था और इसके अलावा इसे हम नावलिस्ट भी कह सकते हैं, इसके अलावा हम इसे एक क्लर्क भी कह सकते हैं, ही वॉज अ क्लर्क एज वेल. तो इसके फोर वॉयज हैं गलिवर ट्रैवल्स, अ वॉयज टू द लिलीपुट्स. लिलीपुट्स में हमने देखा कि 6 inches लोग हैं, अल्टीमेटली ये एक सर्जन होता है और ये शिप के ऊपर ट्रैवल करता है, इसे ट्रैवलिंग का बड़ा शौक होता है और बहुत सारे लोग होते हैं ये ट्रैवल करते हैं
अल्टीमेटली सारे जो हैं वो डूब जाते हैं। ये बड़ी मुश्किल से हार्डली एक छोटी सी शिप, एक छोटी सी बोट के ऊपर एक जजीरे के पास पहुंचता है। तो जब ये उठता है तो इसे हर तरफ से लोगों ने बांधा हुआ है, और जो लोग हैं वो 6 inches राउंड अबाउट उनकी हाइट है। ये जो पहला इसका ट्रैवल है, ये ज़रा पॉइंट इसके नोट कर लें, ये जोनाथन स्विफ्ट ने अपने एक टेल के जरिए, ऐसे लगता है कि जैसे ये बच्चों की टेल है, बच्चों के लिए जैसे टेल है, लेकिन ये ड्यूल पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आप कोर्ट पे इसको लगाएं तो ये कोर्ट उस वक्त की कोर्ट के ऊपर लगती है कि उस वक्त के पॉलिटिकल लीडर्स कैसे थे। अगर आप बच्चों को ये सुना दें तो बच्चे बड़े अम्यूज होते हैं, दे विल बी अम्यूज्ड एंड दे विल लाइक टू स्टडी द वर्क ऑफ जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट का माउथ पीस है, उसका नाम है ग्लेवर, यानी गलिवर, लेम्यूल गलिवर उसका पूरा नाम है। और लेम्यूल गलिवर जो है, इसकी शादी हुई है, इसके बच्चे हैं, और ये सफ़र का, ट्रैवल का इसके बाद बहुत ज़्यादा शौक़ है, और इसने 4 ट्रेवलॉग में एज अ माउथ पीस काम किया है किसका, जोनाथन स्विफ्ट का। जोनाथन स्विफ्ट की वो 6 inches जो हाइट के लोग हैं उनसे मुलाकात होती है। लेम्यूल गलिवर उनको बड़ा ऐसे समझता है कि ये छोटे छोटे लोग हैं, और ये वो उसे बांध के बादशाह के पास ले जाते हैं। बादशाह को अश्योरेंस के बाद उसे छोड़ दिया जाता है, और वो उसके वो जो जजीरा है, आइलैंड है, उसको ऑब्जर्व करता है। उसने देखा कि वो कैसे, यानी हाई हील और लो हील और एग्स के ऊपर लड़ रहे हैं, कि एग्स को उबाला जाता है, उसके बाद एग्स को सेंटर से तोड़ा जाए या साइड से तोड़ा जाए, इसके ऊपर लड़ाई हो रही है। ठीक है जी, हाई हील पहननी है या लो हील पहननी है, इसके ऊपर लड़ाई हो रही है। ठीक है जी, उसके अलावा वो बादशाह से अगर किसी ने जॉब लेनी है तो उसका भी एक तरीक़ेकार है कि वो जितना बादशाह के सामने ट्रिक्स करता है, जितना उसको अम्यूज करता है बादशाह को, जितना उसे फन करता है या फन करके देता है, या उसके सामने उसको अम्यूज करके इंजॉयमेंट करवाता है, वो उतना ज़्यादा ही विल बी अप्रिशिएटेड। तो ये था वहाँ पर तरीक़ेकार बादशाह की नज़रों में अच्छा बनने का, जॉब लेने का, ऑफिस लेने का, अच्छी पोस्ट लेने का। तो ये सारी जो हैं, ये करप्शन इंग्लैंड की, उस वक्त की इंग्लैंड की जो करप्शन है, उन चीज़ों को ज़ाहर करता है। हमने देखा कि लिलीपुशन जो हैं वो रस्से के ऊपर फलांग रहे हैं, और जो मास्टर है, जो उनका किंग है, वो उनको देख रहा है और उन्हें अप्रिशिएट कर रहा है। जितना उनको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, जितना वो ज़्यादा अम्यूज़ करते हैं बादशाह को, वो उतना ज़्यादा उनको ऑफिस देता है और जॉब से नवाजता है। तो इस तरह की एक्टिविटी में मौजूद है। फिर ग्लेवर इसमें ये भी बताता है कि वो लोग जो हैं वो बड़े एक तो खुशामदी हैं, खुशामद को पसंद करते हैं, और साथ वो किसी को कैसे आलाकार बना के यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि इंग्लैंड ने बहुत सारे कंट्री पे कब्ज़ा कर रखा था, जर्मनी और इंग्लैंड की लड़ाई चल रही थी, ये आपस में लड़ रहे थे, और बहुत सारे यहां से इंडियन जो थे इनको हायर किया गया था, और ये जर्मनी के खिलाफ लड़ते थे, इनको लड़ाई के लिए इस्तेमाल किया गया, इवन बर्मा में यूज़ किया गया, इवन दीगर कंट्रीज़ में इनको फाइट के लिए इस्तेमाल किया गया, यहाँ से लोग भर्ती करने, यही सब कॉन्टिनेंट के। और इनको इंग्लैंड जो कहते थे कि तुम तो भाई हमारे हो, बड़े वफादार हो, तुम हमारे लिए लड़ो, तो ये लोग लड़ते रहे हैं। तो इसी तरह वो कहता है कैसे आलाकार बना के इंग्लैंड के लोग यूज़ करते हैं लोगों को। तो इसी तरह वो कहते हैं कि बेलफेस्को साथ एक कबीला था लिलीपुशन के साथ ही, जैसे छोटा सा, वो कुछ बोने लोग हैं, तो ये कहते हैं जी उनकी जो कश्तियाँ सारी तबाह कर दो, ये जाता है 4-5 kashtiyan उनकी तबाह करता है। लेकिन ग्लेवर को ये, ग्लेवर अच्छा इंसान है, रहम दिल है, तो उसे ये बात अच्छी नहीं लगती कि मैं उनको डिस्ट्रॉय करूँ। ये उनकी जो लोग हैं उनके साथ ये कंसेंसस करने की कोशिश करता है, उनके जो किंग है बेलफेस्कोडियन जो होता है उससे मिलता है, और बेलफेस्कोडियन पीपल से मिलता है और उनके साथ डिस्कशन करता है। तो इस बात पर बहुत गुस्सा आता है लिलीपुशन को, लिलीपुशन के किंग को, इवन के वहाँ पर जो फिलिप नैप होता है उस वक्त का जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, वो इस चीज़ का बड़ा गुस्सा करता है कि भाई ये क्यों मिला है, तो इसको पनिशमेंट दी जाए, इसको सजा दी जाए इस बात की। तो सजा देने के लिए वो क्या करता है, वो यूँ करता है कि सजा देने के लिए वो कहते हैं कि इसको हम पनिशमेंट देते हैं क्योंकि इसने गद्दारी की है, इसने ट्रिजन की है हमारी कंट्री के साथ, तो हम इसको पनिशमेंट देंगे। तो अल्टीमेटली डिसाइड होता है कोर्ट की तरफ से, काउंसिल की तरफ से, कि इसकी आंखें निकाल दी जाएं। तो ये अपनी जान बचाने के लिए बेलफेस्कोडियन के पास जाता है, बेलफेस्को के लोग जो दूसरे ट्राइब के लोग हैं उसे सपोर्ट करते हैं, और अल्टीमेटली वहाँ से ये किश्ती पकड़ता है और अल्टीमेटली अपने घर पहुँच जाता है। अब दूसरा, फिर इसके बाद ये दूसरा फिर एक ट्रैवल जो है, दूसरा ट्रैवल स्टार्ट करता है। यानी ये तो इसने पहला ट्रैवल किया ना,
उसके बाद भी ये अपने घर नहीं बैठता। लिलीपुशन के बाद ये दूसरे एक और जगह पे जाता है। ये पहला ट्रैवल जो है ये करता है राउंड अबाउट। गुलिवर को शौक बहुत ज़्यादा है कि वो मैक्सिमम जर्नी करे। तो ये 4 मई 1699 को गुलिवर ब्रिस्टल एंटीलोप जहाज के ऊपर ये जनूबी जानब जो वो है इलाका समंदर की उसकी तरफ रवाना होता है। बदकिस्मती से इनका जहाज जो है वो रैक हो जाता है, तबाह हो जाता है। उसमें ये छोटी सी एक कश्ती होती है, उसके बाद बैठ के अल्टीमेटली ये एक जजीरे पे पहुंचता है। अच्छा, दो लोग हैं, उनके नाम लिख लें। एक है रेल ड्रेसर जो है वहाँ पे सेक्रेटरी है, निजी अमूर को जो डील करता है उसका एक सेक्रेटरी है, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा इंसान है उसका नाम है फेलिम नैप जो है ये उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड का, ये उसको जाहिर करता है, ठीक है। उसका नाम था सर रॉबर्ट वॉलपोल जो था वो बिल्कुल फिलिप नैप जैसा था, ठीक है जी। बादशाह के सामने और इसके अलावा जो दीगर कोर्ट के लोग हैं उनके सामने कैसे वो मीटू से वो ट्रिक लगाता है, कैसे उनको काबू करता है, ये सारे ट्रिक्स जो हैं ये जानता है। तो उसके बाद लिटिल इंडियन और बिग इंडियन जो हैं इसमें लोग बटे हुए हैं और ये जाहिर करते हैं प्रोटेस्टेंट को और दूसरे कैथोलिक को, जैसे वो आपस में लड़ रहे हैं। आप इनके नाम लिख के साथ डिफाइन कर देंगे, ये एलिगोरिकल वर्क है और ये बेसिकली उस वक्त जो इंग्लैंड के हालात है उसको रिफ्लेक्ट करता है। बेलफेस्को कबीला है और दूसरा क्या है लिलीपुट और बेलफेस्को की जो लड़ाई है ये रोमन कैथोलिक और उनकी लड़ाई है, प्रोटेस्टेंट की लड़ाई है, ये दोनों आपस में लड़ते हैं। तो क्वीन एन और फिर आपने देखा कि अल्टीमेटली जब ये लिलीपुशन के दरमियान होता है तो एक उसके दरमियान जब उनके दरमियान रह रहा होता है तो वहाँ पे आग लग जाती है एक पैलेस को। तो पैलेस को आग, देखिए ना यहाँ पे बड़ा ये ह्यूमर क्रिएट करने की बड़ा कॉमिक सीन बनाता है कि अपने यूरिन के साथ फिर ये उसको बुझाता है। जब ये बुझाता है तो बादशाह को बहुत बुरा लगता है, उस वक्त की जो क्वीन होती है उसे भी बड़ा बुरा लगता है। तो ये बिल्कुल वही कहता सीन है कि इसने टेल ऑफ द टब जो लिखा था तो वो बहुत बुरा लगा था किसको, टेल ऑफ द टब जब इसने अपना ये भी एक ट्रेवलॉग ही था, जब इसने ये लिखा था तो ये बहुत बुरा लगा था क्वीन एन को जब ये बुरा लगा था तो इसने इसको इससे जाहिर किया, जैसे वो उसके पैलेस के ऊपर यूरिन करता है तो अल्टीमेटली उसे गुस्सा आता है क्वीन को, तो ये क्वीन एन को रिप्रेजेंट करता है। फिलिप नैप बहुत ज़्यादा नापसंद करता था गुलिवर को और ये उन दोनों का ही एक प्राइम मिनिस्टर है। और फिलिप नैप जो है वो बहुत नापसंद करता है गुलिवर को, उसकी एक वजह है फिलिप नैप सब समझता है कि मेरी वाइफ के साथ इसके लेजिटिमेट तल्लुकात हैं। अब देखें कि उस वक्त जो उसकी वाइफ थी रॉबर्ट वॉलपोल की, तो उसके साथ इल्ज़ाम लगा था इसके ऊपर गुलिवर के, उसके ऊपर जोनाथन स्विफ्ट के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा था कि ये कैथरीन जो उसकी वाइफ थी रॉबर्ट वॉलपोल की उसके साथ लेजिटिमेट ताल्लुकात में है, जबकि वो काफ़ी एजड थी, ये उसके वो इतनी खूबसूरत भी नहीं थी, ऐसे ही उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। तो इसीलिए वो उसको कंपेयर करता है, आप देखो 6 इंचज औरत के साथ कैसे इतना बड़ा जो इंसान है वो अपने लेजिटिमेट रिलेशन बना सकता है। तो इससे भी वो एलिगोरिकली उसको रेफरेंस कर रहा है, उस रेफरेंस उसका दे रहा है कि ही वॉज नॉट हैविंग एनी रिलेशन एनी काइंड ऑफ रिलेशन विद द वाइफ ऑफ द सर रॉबर्ट वॉलपोल। तो सर रॉबर्ट वॉलपोल जो है वो बेसिकली कौन है, यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करता है फिलिप नैप जो उस वक्त का मिनटू से प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, बोनों का, पिग्मीज का, छोटे लोगों का, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वो रिप्रेजेंट कर रहा है सर रॉबर्ट वॉलपोल को। और सर फिलिप नैप की जो वाइफ थी फिलिप नैप की, उसको कह रहे थे कि ये इलेजिटिमेट रिलेशन में है गुलिवर के साथ, तो वो अपना बदला लेना चाह रहा था, इसीलिए कहता है। इसी तरह वो जो रॉबर्ट वॉलपोल था वो भी इसके खिलाफ था जोनाथन स्विफ्ट के साथ, ठीक है जी। ये तो हमारी क्लियर होगी लिलीपुशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं बिग इंडियन और लिटिल इंडियन, जो इसमें लिटिल इंडियंस हैं और बिग इंडियन हैं वो लड़ किस पे रहे हैं, वो अंडा साइड से तोड़ना चाहिए या सेंटर से तोड़ना चाहिए, उबला हुआ।
ठीक है, छोटी छोटी बातों पे ला रही, हाई हील पहननी चाहिए या लो हील पहननी चाहिए, ठीक है जी। दूसरी वो क्या जी, बेल्फेस्को और लिलीपुशन के दरमियान जो लड़ाई थी एक दूसरे का, एक दूसरे के कंट्री को ओवरकम करने के लिए, कॉलोनी बनाने के लिए या उनके ऊपर कब्जा करने के लिए, जो उनकी लड़ाई है वो किसको जाहिर करती है, वो बेसिकली लड़ाई जाहिर करती है, वो बेसिकली लड़ाई जाहिर करती है इसी चीज़ को जो इसके ऊपर चल रही है। यह सारी चीज़ें आप उसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। ब्राबडिंगने का सफर, दूसरा सफर जो है तकरीबन 2 माह आराम के बाद 20 जून 1707 को फिर दूसरा सफर शुरू करता है, दूसरे सफर की तरफ रवाना होता है। तो क्या करता है कि ये एक जजीरे की तरफ जाता है, तो वहाँ पे ये कुछ देर के लिए, वो इसके साथ दूसरे अफराद भी हैं, तो गुलेवर के साथ कुछ अफराद हैं इसके साथ जजीरे के ऊपर, तो ये एक साइड पे ना उतरते हैं, यानी कहाँ कहीं पे सांस लेने के लिए या थक जाते हैं, तो ये जहाज़ को एक साइड पे कहीं रोकते हैं। तो जैसे ही ये जहाज़ को, अपने जो बहरी जहाज़ को एक साइड पे रोकते हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग जो हैं काफ़ी, उनकी 70 इंचज वो हाइट है, यानी 70 फीट उनकी हाइट है, इतने लंबे लंबे लोग हैं, और वो देखता है ना जैसे ही, तो वो लोग देखते हैं तो वो उनकी तरफ दौड़ते हैं जहाज़ वालों की, तो जहाज़ भगा के ले जाते हैं इसको, वहाँ पे छोड़ देते हैं। अब ये वहाँ पे रह जाता है, तो अल्टीमेटली ये वहाँ पे खेत में एक में छुपता है, उस खेत में छुपते हुए इसको एक किसान देख लेता है, किसान उसे पकड़ता है, उसे अपने साथ ले जाता है। अब वो जैसे ही घर में लेके जाता है, तो किसान के बच्चे और जो उसकी बेटी है वो सारे कहते हैं ये तो छोटा सा, अब देखिए उनमें बोना है, पहले ये वो थे, अब ये बोना है उनमें, छोटा सा पिकनी है, तो वो इसके साथ खेलते रहते हैं। वो इसे वहां पे जी एक बिल्ली का साइज जो है वो बैल के बराबर है, लिख लें। गुलेवर जो है अब वहां पे ऐसे लोगों में आ गया जिनमें वो बहुत छोटा सा है और वो बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है, 70 उनके फीट उनकी कोई उनकी लेंथ है। वहां बिल्ली का साइज बैल से 3 गुना ज्यादा बड़ा है, और चूहे जो है वो गुलेवर पर हमला कर देते हैं, और वो उनका साइज कुत्तों जितना बड़ा है। गुलेवर अपनी तलवार से चूहों से मुकाबला करता है और इनको मार गिराता है। किसान की 9 साल बेटी है गुलेवर को देखभाल करती है, और वो क्या करती है, वो इसका तमाशा लगाते रहते हैं, गुलेवर को कभी कहाँ ले जाते हैं, कभी कहाँ ले जाते हैं। ब्राबडिंगने के लोग जो हैं वो उसे एज अ सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट समझते हैं, और किसान जो है वो भूखा इंसान है, वो इतना अमीर नहीं है, तो वो क्या करता है, इसका तमाशा लगाता है और वो लोगों से पैसे कमाता है, ठीक है वो इसे। और गुलेवर जो है अब मुख्तलिफ जगह पे जाते हुए सारा दिन वो जो किसान है उससे काम लेता रहता है, उसका तमाशा लगाता है, तो वो काफ़ी वीक हो गया है। जब किसान को पता चलता है कि कहीं इसकी डेथ ही ना हो जाए, काफ़ी वीक है, तो वो उसे बादशाह के यहाँ कुछ पाउंड में बेच देता है। तो वहाँ पे बादशाह जो है वो उससे काफ़ी मुतासर होता है, वहाँ पे उसके लिए एक बॉक्स बनाया जाता है, और उस बॉक्स के अंदर उसे रखा जाता है, क्योंकि वो बहुत छोटा है, वहाँ पे कीड़े जो हैं, वास्प जो हैं, वो भी इतने बड़े बड़े हैं, उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। और अल्टीमेटली एक दिन उसको गुलेवर को एक बॉक्स में लेके जाया जा रहा होता है, तो एक चील जो है उसे चील गुलेवर को पकड़ती है, और ईगल होता है कोई गुलेवर को पकड़ता है, और वो उसे समंदर तक ले आता है, और वहाँ पे दूसरा ईगल होता है वो उससे छीनने की कोशिश करता है, तो ये समंदर में गिर पड़ता है। अब वहाँ से गुलेवर जो है वो समंदर में किसी से हेल्प लेता है, किसी शिप के लोगों से हेल्प लेता है, और अल्टीमेटली अपने घर पहुँचने में कामयाब हो जाता है। 15 अगस्त 1706 में लपूटा एक आईलैंड है उसका, ये सफ़र करता है, और जैसे ये सफ़र करता है तो ये बेसिकली सफ़र कर रहा होता है, बदकिस्मती से कश्ती जो है वो कजाकों के हाथ लग जाती है, कजाक होते हैं ये जो लूटते हैं, ठीक है, इनके हाथ लग जाती है, रॉबर्स के हाथ, और रॉबर जो है उसे लूटना शुरू कर देते हैं, और गुलेवर को एक चट्टान के पास फेंक देते हैं। जैसे ये ऊपर देखता है तो उसे नज़र आता है कि ऊपर एक आईलैंड जो है वो उड़ रहा है, यानी वहाँ फ्लाई कर रहा है, तो ये ऊपर से उनकी तरफ देखता है, हेल्प को पुकारता है, वो ऊपर से सीढ़ी फेंकते हैं, ये ऊपर चला जाता है। वहाँ के लोग जो हैं ज्योमेट्री और म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, ये सारा दिन वो अपने कामों में लगे रहते हैं, और वो सारा दिन उनका ओढ़ना बिछोना जो है वो साइंस, म्यूज़िक और इसके एक्सपेरिमेंट हैं, यानी प्रैग्मेटिक और एम्पेरिकल जैसे वो फिलासफी है उनकी भी, वो सारा दिन अजीबोगरीब किस्म के तजर्बे कर रहे हैं।
अब उनके तजर्बात जो हैं वो टोटली आप कह लें कि वो यूजलेस हैं, वो दिखाए गए हैं। वो पहले तो ये कर रहे हैं कि वो क्यूकम्बर जो खीरा है उससे सूरज की जो रोशनी है, शुआएं जो हैं वो महफूज करके बोतलों में बंद कर रहे हैं कि ये जी हम बाद में यूज़ करेंगे। फिर ह्यूमन वेस्ट को वो खुराक में तब्दील कर रहे हैं, देखें अजीब गरीब किस्म के काम कर रहे हैं। फिर वो क्या कर रहे हैं कि पत्थर को नरम करके तकिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मकड़ी के जाले से रेशम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम लेबोरेटरीज जो हैं और इससे शो कर इस बात को शो करती है कि उस वक्त के जो लोग थे, साइंटिस्ट थे, इंग्लैंड के लोग थे, वो आवाम का पैसा ज़ाया कर रहे थे और वो जीबो गरीब किस्म के वेस्टलेस जो एक्सपेरिमेंट हैं, यूजलेस एक्सपेरिमेंट हैं, उनके ऊपर पैसा खर्च कर रहे थे। ग्लेबर यहाँ से बादशाह की जो उस वक्त के वहाँ पे बादशाह होते हैं उसकी मदद लेके वो नीचे जो इलाका है उसका विजिट करता है। ये तमाम लेबोरेटरीज जो हैं ये बेकार किस्म के मंसूबों पे काम कर रही हैं। ग्लेबर यहाँ से ग्लब ड्रिप ड्रब जाता है, लिख लें GLUBDRUBDRIB, ग्लब ड्रब ड्रिप जाता है और वहाँ इसकी मुलाकात होती है। वहाँ एक जजीरा है, यहाँ ग्लेबर माजी के मशहूर जो मुर्दा लोगों की जो स्पिरिट्स हैं उनकी रूहों से मुलाकात होती है। अब यहाँ पे क्रिटिसाइज करता है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एंशियंट लोगों की थीरीज को चेंज करके तोड़ मोड़ के पेश किया है। अरिस्टोटल की वो रूह को बुलाता है, अलेक्जेंडर दी ग्रेट की रूह को बुलाता है, इनकी स्पिरिट को बुलाता है और उनसे डिस्कशन करता है और यहाँ पे अरिस्टोटल से मुलाकात होती है। अरिस्टोटल की रूह से वो मिलता है और अरिस्टोटल की रूह उसे बताती है कि मैंने बहुत सारी जो थीरीज हैं वो गलत जो लिखी हैं, या इस तरह वो एहतजाज कर रहा है या क्रिटिसाइज कर रहा है मौजूदा राइटर हिस्टोरियन के ऊपर जिन्होंने गलत रिप्रेजेंट किया है उनकी थीरीज को। और उसके बाद यहाँ से ये ग्लेबर लगनेग जाता है। ये लगनेग भी वहाँ पे एक इलाका है, यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको मौत नहीं आती। अब लगनेग के अंदर जो है बेसिकली ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्होंने ऐसे तजर्बात किए हैं कि उनको मौत नहीं आ रही। अब यहाँ पे वो बूढ़े हो चुके हैं लेकिन उनको मौत नहीं आ रही और वो उनकी आहो बका और वो मौत के लिए दुहाई देते हुए बहुत सारे इंसान आपको वहाँ पे नज़र आएंगे, वो धाड़े मार रहे हैं और मौत को रो रहे हैं और उनको उनकी आवाज़ों को वो सुनता है और बड़ा परेशान होता है। तो वहाँ से वो कहता है कि मौत एक दरअसल नेमत है, जैसे वो कहा था ना कि मौत इतनी शायद बेकन कहता है खतरनाक नहीं है, हॉरिफाइड नहीं है जितना पेश किया जाता है। कहता मौत तो एक नेमत है क्योंकि ये इंसान को अपने अंदर समो लेती है। इंसान कहाँ जाए, इंसान खुद मौत के लिए कहता है यहाँ पे कराह रहे हैं और वो आहो बिका कर रहे हैं कि हमें मौत आ जाए। तो वरना कहता है बुढ़ापे की कमजोरी और मौत का ना आना जिंदगी की एक अजियत है। फिर ग्लेबर जापान से होता हुआ 1710 को अपने मुल्क इंग्लैंड में आ जाता है। अब जो आखिरी इसका सफ़र है होनम्स भी इनको कहते हैं, होमनम्स भी कहते हैं। अब ये होनम्स का सफ़र करता है और उसको उसने अजीबोगरीब किस्म का नाम दिया होनम्स और याहू। तो ये सारे जो इसने अपनी तरफ से ये सारे वर्ड्स क्रिएट किए हैं याहू और होनम्स इस तरह के। ग्लेबर की सफ़र की ख्वाहिश अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि चुनाचे वो 7 सितंबर 1710 को एक बार फिर समंदर के सफ़र को रवाना होता है। अब यहाँ पे इसकी मुलाकात होती है कुछ कजाक के साथ। ये सफ़र करता है शिप के ऊपर, तो वो शिप के जो लोग होते हैं वो सारे ही कौन होते हैं, वो सारे लोग कजाक होते हैं यानी लूटने वाले होते हैं, रोबर। वो ग्लेबर को बांध देते हैं वहाँ पे एक वीरान जजीरे में और वहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है, जब वो वहाँ पे उसको वीरान जजीरे में छोड़ कर चले जाते हैं तो वहाँ पे देखता है कि ग्रुप ऑफ द पीपल जो बिल्कुल न्यूड हैं और बिल्कुल वाशी किस्म के लोग हैं और उन्होंने बाल बिखरे हुए हैं, वो दौड़े आते हैं ग्लेबर की तरफ, ग्लेबर को मारने की कोशिश करते हैं, उससे पैसे छीनने की जो भी कुछ है उससे छीनने की कोशिश करते हैं। तो दो घोड़े उसकी तरफ दौड़ कर आते हैं। अब याहूस जो हैं ये इंसान हैं और ये बड़े ख़तरनाक हैं और बिल्कुल विशियस सेक्शुअल और होमोसेक्शुअल और अपना डर्ट और डस्ट खाने वाले, और उनके ऊपर बड़ी बिटर तनकीद करता है जोनाथन सिविल। अब या जब होनम्स वहाँ पे आते हैं तो याहू दौड़ जाते हैं। होनम्स जो हैं वो घोड़े हैं और घोड़े गवर्न कर रहे हैं यहाँ पे
इंसानों के ऊपर, इंसानों इंसान जो है वो बिल्कुल याहू और पुराने और कदामत प्रस्त लोग और अजीबोगरीब किस्म के सेक्सुअल लस्टफुल और न्यूड फॉर्म में फिर रहे हैं, और घोड़े जो है अपनी अपनी रैशनल थॉट्स की वजह से अकली हुक्मरानी कर रहे हैं उनके ऊपर, उनके ऊपर गवर्न कर रहे हैं। यहाँ पे गलेवर बताता है होनम्स को कि कितने लोग उसके इलाके के लोग कितने खतरनाक हैं और वो कौन कौन सी चीज़ें उनमें बुराइयाँ पाई जाती हैं, वो कितने लस्टफुल हैं, उनकी फीमेल कितनी लस्टफुल हैं, वो क्या करती हैं, उनकी सारी बुराइयाँ बताता है। तो यहाँ पे फिर जो होनम्स का जो मास्टर होनम होता है, जो उनका आका होता है, जो उनका बड़ा होता है, वो भी बताता है कि ये जो याहू यहाँ पे इंसान नुमा याहू यहाँ पे रह रहे हैं, ये हमें बहुत तंग करते हैं, हमारी फीमेल को भी तंग करते हैं, और ये बड़े लस्टफुल हैं, बड़े सेक्सुअल हैं, और इन लोगों ने हमारी फीमेल को बहुत तंग किया हुआ है, हम इनको ठिकाने लगाने के लिए बहुत सारी तरकीब सोच रहे हैं, हम नहीं चाहते कि इनकी नस्ल को ख़त्म कर दिया जाए, हम चाह रहे हैं कि इनकी ये जो अफजाइशी नस्ल है, इनकी जो स्किल है या एबिलिटी है, इसको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि ये हमारी फीमेल को तंग ना करें, हमें तंग ना करें, और ये बड़े गैर अकली किस्म के और बड़े वैशी किस्म के और सेंसुअल सेक्सुअल किस्म के लोग हैं, हम इनसे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि भाई आपकी शक्ल भी याहू से मिलती है, तो आप भी यहाँ से यहाँ पर हमारे साथ स्टे नहीं कर सकते, हमारी सिविलाइजेशन को, हमारे कल्चर को तुमसे खतरा है। वो याहू और यानी वो हमनम से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि उनके साथ स्टे करता है और याहू को छोड़ देता है, उनके साथ नहीं रहता, क्योंकि याहू ह्यूमन जैसे हैं और बहुत ज़्यादा लस्टी हैं, बहुत वैशी हैं, बहुत बदनुमा हैं, उनसे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, और वो एक दूसरे की पुश्त जो है उसको लिक करते हैं, और जो बिल्कुल एक इनह्यूमन किस्म की एक्टिविटी है जो उनको पसंद, जो जोनाथन को पसंद नहीं आती, ऐसी चीज़ें वो रिफ्लेक्ट करता है इंसानों के बारे में कि इंसान इतने बुरे हैं, इवन कि वो उनके साथ स्टे भी करना नहीं चाहता। यहाँ पे लोग बहुत सारे क्रिटिक्स ने उसके ऊपर तंज भी किया कि इसने ऐसा क्यों लिखा इतना बिटर। और कल मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी कि किसी ने पूछा जोनाथन स्विफ्ट कि व्हाई डू यू राइट लाइक दैट, व्हाई डू यू राइट अगेंस्ट अ ह्यूमन बीइंग, आपको नहीं पता कि बाइबल के अंदर लिखा है कि जो सबसे, आपको क्या नहीं पता कि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रीचर ऑन द फेस ऑफ द यूनिवर्स इज ह्यूमन बीइंग। तो कहता है कि अगर ये सबसे ज़्यादा ब्यूटिफुल क्रीचर है ह्यूमन बीइंग, तो ये लोगों को धोखा क्यों देते हैं, ये रेप क्यों करते हैं, ये लोगों को तंग क्यों करते हैं, ये लोगों का माल क्यों लूटते हैं, ये लोगों के लोगों के लिए एमोनिशन क्यों बनाते हैं, उनको मारने के लिए लूटते क्यों हैं, उनके कॉलोनीज क्यों बनाते हैं, उन पर कब्जा क्यों करते हैं, ये बहुत सारे फिर पॉइंट बताता है यहाँ पे भी, तो आप ये डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके बाद जनाब यूँ होता है कि घोड़ों की दुनिया से जब उसे निकाला जाता है तो वो वापस आ जाता है, लेकिन जब वापस आता है तो कहते हैं कि वो बिल्कुल मिसएंथ्रोपिक हो जाता है और सॉलिट्यूड में रहना शुरू कर देता है, घर में दो घोड़े रख लेता है ग्लेवर। ग्लेवर अपनी बीवी से बच्चों से बात नहीं करता और उसे अच्छे नहीं लग रहे, वो जस्ट होमनम्स को ही पसंद करता है और घोड़ों के साथ बातें करने की कोशिश करता है, ये इसकी मिसएंथ्रोपिक एटीट्यूड को जाहिर करती है और इसके पे असाइनमेंट भी आती है। लें जी, अभी हमने डिस्कस किया है पूरे जो चार वॉयज हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम नेक्स्ट जो है एक असाइनमेंट डिस्कस करें, आप आएँ। इसमें फोर वॉयज के अंदर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। असाइनमेंट मैंने आपको एक बनाई है आपके लिए और विद पिक्चर है, उसको आप पढ़िएगा, आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ क्या है। आप अगर देखें, शायद मैंने आपको असाइनमेंट सेंड की हो, उसके पॉइंट सेंड किए हों, नहीं तो आप लिख लें, मैं आपको लिखवाता हूँ। अच्छा जी, पहला पॉइंट लिखें क्रॉसिव स्टार्स इन द बुक, क्रॉसिव स्टार इन द बुक। इसके नीचे 7-8 लाइनें छोड़ दें, आप इस असाइनमेंट को, आपको इस असाइनमेंट भी मैं सेंड कर दूंगा शूट लेके, क्रॉसिव स्टार इन द बुक, इसके नीचे 7-8 लाइनें छोड़ दें। काइंडली मुझे बताइएगा कितने लोग जो हैं अभी एडेड हैं मेरे पास, कितने लोग मुझे सुन रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं मुझे जी, और मरियम सुन रही है मुझे मेरी, अच्छा जी, और उसके अलावा कोई ऐसा हो मेंबर जिसको ऐड नहीं किया गया, वो कोई टैक्स आया हो किसी का, ऐड कर लें। ये आंसर है, उसके अलावा और कौन है हमारे मेंबर, बस यही है ना, रिजा ऐड है,
रिजा आप मुझे सुन रही हैं? ये आंसर को क्या प्रॉब्लम है, ये खुद लेफ्ट किया इसने या वैसे ही इसे अनअवेलेबल आ रहा है? ठीक है चलें जी, ये ज़रा असाइनमेंट देख लीजिए, देख लीजिए। क्रोसिव स्टाइल, क्रोसिव का मतलब होता है बिटर, सख्त, ठीक है, शदीद। क्रोसिव स्टाइल इन द बुक, इस बुक में जी स्टाइल जो है वो बड़ा एक ग्रेजुअल लेवल, ग्रेजुअली स्टार्ट होता है, पहले कॉमिक होता है, लाइट होता है, फिर वो क्या हो जाता है, फिर वो थोड़ा सा और फाइनेंट हो जाता है, फाइनेंट के बाद फाइनेंट के पंजट के बाद फाइनेंट हो जाता है, फाइनेंट के बाद क्या हो जाता है, क्रॉसिव हो जाता है। यानी ये चार उसने लेवल बताए हैं, यानी ये किसी बात को शदीद बनाने में ग्रेजुअली वो जाता है अपवर्ड। तो आप ये आठ, नीचे आठ लाइनें छोड़ दें, दूसरी हेडिंग दें मल्टी डिमेंशनल स्टाइल। हमारा इसके अंदर जी मल्टी डिमेंशनल स्टाइल हमें मिलता है कि वो मल्टी, उसकी बहुत सारी उसकी रुख हैं, बहुत सारे उसकी साइड्स हैं स्टाइल करने की, पहला लेवल दूसरा लेवल वही चीज़ें बात कर रहा है। स्टाइल ऑन पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, हमने देखा कि जो फिलिप नैप है और जो रेल ड्रेसर है, ये उस वक्त के कौन से लोगों को जाहिर करते हैं, ये उस वक्त के लोगों के सर रॉबर्ट वॉलपोल जो उस वक्त के लोग थे उसको जाहिर करते हैं, उस वक्त की जो क्वीन थी एन उसको जाहिर करते हैं। इसके अलावा जब उसे बंद किया जाता है तो एक किंग था, उसका नाम था चार्ल्स वन, वो बड़ा वलप्चुअर सेक्सुअल किस्म का किंग था। तो वहाँ पे एक रिलीजियस मूवमेंट चली थी इंग्लैंड में, उसको कहते हैं प्योरटन्स। प्योरटन जो थे ना, ये एंग्लिकन, ये प्रोटेस्टेंट थे लोग। इन लोगों ने ओलिवर क्रॉमवेल जो था इसके लीडरशिप के अंदर, इनके पास 20,000 ऑलमोस्ट इसके पास फौजी थे ओलिवर क्रॉमवेल के पास, और ये मजहबी था, ये भी प्योरटन था। इन सारों ने मिलके चार्ल्स वन को पकड़ लिया था और उसको एक जगह पे बंद कर दिया था, ठीक है, हाउस अरेस्ट करने के बाद उसको एग्जीक्यूट कर दिया, उसका गला काट दिया था। तो चार्ल्स वन जैसे वो उसे गुलिवर को पकड़ के उसकी आंखें निकालने की कोशिश करते हैं, तो आप बताएंगे कि ये उस वक्त का जो चार्ल्स वन किंग था ना, उसको जैसे एग्जीक्यूशन की गई थी, तो बिल्कुल उसी चीज़ को जाहिर करता है। उसे हाउस अरेस्ट किया गया था, प्योरटन ने पकड़ लिया था, प्योरटन ने पकड़ के उनको उसको एग्जीक्यूट कर दिया था, उसका गला काट दिया था। तो जो उसे पकड़ के उसके बाद उसको उसकी आंखें निकालने लगते हैं, उसे हाउस अरेस्ट करते हैं, ठीक है, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये भी आठ लाइनें छोड़ दें इसके अंदर, स्टाइल ऑन पॉलिटिकल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, और फिर आगे आ जाएं। सेटराइजेस कोर्सनेस एंड अगलीनेस, यानी जो बुरी शक्ल है किसकी, ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्टाइल करता है इंसान की बुरी शक्ल के ऊपर, इंसान कैसा है, इंसान क्या करप्ट है, इंसान क्या है सेक्सुअल है, लस्टफुल है, इंसान क्या है, इंसान क्या है, इंसान की फोलीज, इंसान के जो ड्रॉबैक्स हैं, इंसान का जो अगली साइड है, ह्यूमन बीइंग क्या है, ब्लेंड ऑफ गुड एंड वाइस, यानी गुड एंड वाइस का, ईवल और गुड का ब्लेंड है, मिक्सचर है इंसान, ह्यूमन बीइंग। तो वो उन दोनों साइड को दिखाता है, ठीक है, जहाँ पे वो फॉलीज हैं, जहाँ पे बिटरनेस है, जहाँ पे ईवल है, जहाँ पे वाइसेस है, उनको दिखाता है, सेटराइज करता है अगली साइड ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग लस्टफुल है, ह्यूमन बीइंग जो है दूसरे को छीन लेते हैं, जैसे वो कजाक हैं, जैसे वो रॉबर हैं, वो क्या करते हैं, उनको लूट लेते हैं, और जितने भी वहाँ पे शिप होते हैं उनको भी लूटते हैं। इस तरह जो इंसान है वो क्या कर रहे हैं, याहू जो है वो डर्ट हैं, डस्टी हैं, जो पुश्त है उसको लिख करते हैं एक दूसरे बादशाह की और डिफरेंट दूसरे जो उनके मास्टर्स हैं उनकी फेवर हासिल करने के लिए। तो इस तरह उनकी फॉलीज वगैरह बताई गई है, उनकी बिटर साइड जो है, उनकी बुरी साइड, अगली साइड जो ह्यूमन बीइंग की, वो बड़े लस्टी हैं, वो बड़े ग्रीडी हैं, वो अपने मकासद हासिल करने के लिए कुछ भी करते हैं। तो ये वो साइड दिखाई गई है इंसान ह्यूमन बीइंग की। कंडेम द फैटल्स यूज ऑफ द गन पाउडर। अब जब ब्रॉपडिंग नैग में जब वो लंबे लंबे जहाँ पे लोग हैं 70 feet के जो लोग हैं, जब उनके पास जाता है तो वहाँ पे बादशाह से मुलाकात होती है इसकी। तो बादशाह को वो जब बताता है कि हमारे लोग जो हैं वो ये चीज़ें बनाते हैं और इस तरह फाइट करते हैं, तो बादशाह वहाँ पे एक कमेंट देता है उसको, वो उसको कमेंट क्या देता है कि यू द मोस्ट फर्निशियस रेस ऑफ द लिटिल ऑडियस वर्मन, कि तुम सबसे बुरी रेस हो, नस्ल हो, लिटल छोटे छोटे कीड़ों की जैसे, दैट नेचर एवर सफर टू क्रॉल अपॉन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि नेचर भी तुम्हें अपने ऊपर लिए हुए है और वो भी रो रही है, क्रॉल भी, आपको नेचर भी अच्छा नहीं समझती कि आप उसके ऊपर भी जुल्म कर रहे हो। अच्छा जी, इसके बाद और भी
कुछ है जो बादशाह जो है उसके बारे में बोलता है। बादशाह को वो जब सारी बातें बताता है, वो कहता है जी हम लोगों ने तो बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, हम अवेल्यूएट करने के लिए हमने बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं। तो वो कहता है कि ये बड़ा डिटेस्टेबल है, ये बड़ा बुरा है कि आप लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, थीरीज लिखी हैं हुकूमत करने के लिए। कहता बड़ी सिंपल सी बात है, बादशाह कहता है कि एक इंसान जो है वो एक गोशा जो है वो उगाता है, तो दूसरा जो है वो गंदम के दो गोशे जो है वो उगाता है, या वो दो जो उसके गंदम की जो फसल है उसके दो पैदा करता है गोशे, तो वो कहता है जी ज़्यादा उसके लिए वो किसी बादशाह से भी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसी तरह कहता है इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखने की ज़रूरत क्या है, जो आप इतना पैसा ज़ाया कर रहे हो, जो इतनी बातें लिख रहे हो, तो ये सारी यूज़लेस हैं, आप देखो इफेक्टिव कौन है। तो बादशाह भी जो है ना ब्रॉबडिंगने का वो उनके ऊपर स्टार करता हुआ वो भी एक माउथ पीस बन जाता है जोनाथन स्विफ्ट का। अच्छा जी, कंडेम द फैटल यूज़ ऑफ द गन पाउडर, कि हम हमारे गन पाउडर बनाए जाते हैं, मैस डिस्ट्रक्शन के वेपन बनाए जाते हैं, हमने बड़ी बड़ी मशीनें क्रिएट कर ली हैं, हमने लोग ह्यूमन बीइंग को तबाह करने के लिए ये चीज़ें न्यूक्लियर वेपन्स और ये वो बना ली हैं। तो वहाँ पे वो क्या कहता है, कहता है कि ये बहुत ख़तरनाक है, आपके लोग जो हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं, लोगों को एक दूसरे को किल कर रहे हैं, मार रहे हैं, और नेचर भी जो है इससे सफ़र करती है। यूजलेस एक्सपेरिमेंट इन लगैडो, लगैडो एक वहाँ पे लेबॉर्ट्री है, उस लेबॉर्ट्री में डिफरेंट किस्म के यूजलेस एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। एक तो कॉबवेब से कपड़ा बनाया जा रहा है, ठीक है जी, ये आप लिख लें। दूसरा जनाब खीरे के अंदर से रोशनी, जो सूरज की रोशनी है वो हासिल की जा रही है और बोतलों में सेव की जा रही है। ह्यूमन वेस्ट को ईटेबल चीज़ों में कन्वर्ट किया जा रहा है। ऊपर से घर नीचे की तरफ बनाए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल यूजलेस है, ठीक है। तो इस तरह के सारे जो यूजलेस एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं वो दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। तो आप कहेंगे कि ये एलेगोरिकल एक बात है, उस वक्त इंग्लैंड में जो एक्सपेरिमेंट हो रहे थे वो सारे यूजलेस थे, तो जोनाथन स्विफ्ट ने उसके साथ उसको रिप्रेजेंट किया। स्टार ऑन द हिस्टोरियन, हिस्टोरियन के ऊपर भी स्टार है कि जब उन्होंने हिस्ट्री लिखी, उन्होंने बहुत सारे जो एंशियंट स्कॉलर थे उनकी थ्योरी को तोड़ मोड़ के पेश किया, तो अरिस्टोटल कहता है कि मेरी बहुत सारी थ्योरी जो हैं वो गलत बताई गई हैं। अरिस्टोटल की रूह से वो मिलता है, वो खुद उससे बात करता है, ठीक है। ये कहाँ पे, वो जब वो हमने देखा कि वो जब जापान की तरफ जाता है तो जापान से बालनी बार भी और उस पर ग्लब ड्रब ड्रिप जाता है और फिर आगे वहाँ पे अल्टीमेटली जोनाथन स्विफ्ट ग्लेवर जो है वो मिलता है, कुछ रूहों से मिलता है, एक जजीरे पे जाता है जहाँ पे मजिशन होते हैं, और वहाँ पे उनकी जो स्पिरिट्स हैं उनको हासिल करता है और उन स्पिरिट्स के से वो बातचीत करता है। स्टार ऑन द हिस्टोरियन के ऊपर भी स्टार है। अनटीचेबल याहू, कि याहू जो हैं वो बड़े विशियस, परनीशियस और सेक्सुअल और लस्टफुल लोग हैं, डर्ट खाते हैं, डस्ट खाते हैं, बहुत बड़े लंबे लंबे उन्होंने बाल रखे हुए हैं और न्यूड हैं और वैशी और जंगली किस्म के लोग हैं, लेकिन हैं वो ह्यूमन बीइंग, वो ना तो किसी याहू फीमेल को छोड़ते हैं ना अपनी फीमेल को छोड़ते हैं, और अपने मालक की फेवर हासिल करने के लिए उसकी पुश्त को लिख करते हैं। ये जी उनकी करेक्टरिस्टिक है, और ये आप लिख देंगे बड़ी अनटीचेबल किस्म की, अनसिविलाइज्ड, कंजर्वेटिव ओल्ड किस्म के याहू हैं जिनको वो ना पसंद करता है, और उनको छोड़ के घोड़ों के साथ जो रीजनेबल हैं, अकली हैं, उनके साथ रहना शुरू कर देता है, जो रैशनल बीइंग लगते हैं उसको। यहाँ पे आप वो भी कर सकते हैं कि जब किसी ने पूछा था कि वाई डू यू राइट अगेंस्ट द ह्यूमन बीइंग, तो उसने कहा था कि ये तो बाइबल में लिखा है कि ये ब्यूटिफुल क्रिएचर है, तो वो कहता है कि ये फिर ये काम क्यों करते हैं। हमनम्स परफेक्शन ऑफ नेचर, आप बताएंगे कि होनम्स आर वेरी ब्यूटिफुल इन द डीलिंग, दे आर रूलिंग द याहूज ऑन द बेसिस ऑफ रैशनल थाट्स, एंड दे आर गवर्निंग द लैंड, एंड दे द मास्टर याहू टोल्ड द स्टोरीज ऑफ द याहूज, बिकॉज दीज दे याहूज were creating problem for them, they were lusty, they were sexual, they were doing illegitimate activity over there, and they were corrupting the land of the Homnums, and the Homnums don't like them, ठीक है जी। यहाँ पे आप सारा लिख देना। Reformation of the society, वो कहता है कि through my writing I am going to vex the human being, vex the society, मैं society को vex करना चाहता हूँ, उनको जोड़ना चाहता हूँ, उनको उनकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि what they are doing, कि मेरा मकसद ना तो मैं एंथ्रोपिस्ट हूँ,
मिसेंथ्रोपिस्ट हूँ, ना मैं कोई वायल हूँ, ना कोई मैं बिटर सेटरिस्ट हूँ, रादर आई वुड लाइक टू मेंट द सोसाइटी। जितने भी लोग सटायर करते हैं, सटायर का मकसद, बेसिक मकसद ये होता है कि वो सटायर के जरिए बेसिकली दे वॉन्ट टू टीच द नेशन। ये सारे जो आइडियाज़ हैं ये तकरीबन आपको पहले भी पता है, मैं इसके रिलेटेड पॉइंट्स भी आपको सेंड कर दूंगा। आप ऐसा करें कि इसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है वो जल्दी से मुझसे लिखें जी, जो मैंने आप लोगों के लिए इसका कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन बनाया है। आपने, आपको जब भी ये सात सवाल, सात राउंड अबाउट आठ बनते हैं, अगर इनमें से कोई भी सवाल आता है तो आपने मेरे आइडियाज़ हू बहू लिख देने हैं। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद नीचे ये सारे आइडियाज़ लिख देने हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको चार पाँच क्रिटिक्स जो हैं, जैसे मैंने बेकन के लिखवा दिए थे, इसके भी लिखवा दूंगा। लिखें जी, गलेवर्स ट्रैवल बाय जोनाथन स्विफ्ट एज अ सोशल स्टाइल। अगर ये ऐसे आता है तो आप लिखेंगे गलेवर्स ट्रैवल GULLIVER कॉमा STRAVELS डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे गलेवर्स ट्रैवल्स। Glover's Travel is a great work of social style. Gulliver Travel जो है वो social style का एक great work है। लिख लें, साथ साथ लिखती जाएं। In Gulliver's Travel, Jonathan Swift gradually moves his social styles. Gulliver Travel के अंदर Jonathan Swift gradually moves, लिखते जाएं, gradually moves his social satire from comic to bitter. Comic से bitter बना देता है, पहले comic होता है फिर bitter बना देता है, उसको सख्त बना, comic to bitter and corrosive, यानी पहले वो क्या बनाता है, comic, फिर bitter, फिर and corrosive. Corrosive होता है बहुत सख्त, शदीद किस्म का। Corruption, comma, social injustice, comma, Follies, FOLLIES, follies and pretensions were rampant in those days. Rampant का मतलब होता है was, आम थे। Rampant, RAMPANT, rampant in those days. उन दिनों में क्या क्या चीजें आम थी, corruption, कॉमा social, कॉमा injustice, कॉमा follies, कॉमा and प्रीटेंशन। प्रीटेंशन होता दिखावा, स्नोबिश एक्टिविटी, यानी प्रीटेंशन वर रैम्पेंट इन दोज डेज, उन दिनों में ये चीजें आम थी। जोनाथन स्विफ्ट टीयर्स, TEARS, टीयर्स का मतलब होता फाड़ देना। जोनाथन स्विफ्ट टीयर्स द वेल्स, VEIL, वेल्स होता है नकाब। जोनाथन स्विफ्ट नकाब को फाड़ देता है ऑफ द स्मग कॉम्प्लीसेंसी, जो उन्होंने अपनी एक सिक्योरिटी बनाई हुई थी, मुंह के ऊपर जो चढ़ाया हुआ था वेल, उसको फाड़ देता है, उतार देता है। जोनाथन स्विफ्ट टीयर्स, टीयर होता है फाड़ता है, द वेल ऑफ द स्मग कंप्लीसेंसी, कंप्लीसेंसी, COMPLENCENCY, कंप्लीसेंसी, विच हैड ब्लाइंडेड द पीपल टू रियलिटी, जिसने लोगों को रियलिटी से अंधा बना दिया था, तो वो उस वेल को ही फाड़ देता है, उन्होंने जो आंखों में चढ़ाया होता है उसे फाड़ देता है। इन गलिवर ट्रैवल के अंदर देयर इज अ स्टायर ऑन द पॉलिटिक्स, ह्यूमन फिजियोनॉमी, फिजियोनॉमी लिख लो, PHYSIOG, जी साइलेंट है, NOMY, फिजियोनॉमी, फिजियोनॉमी, ह्यूमन फिजियोनॉमी के ऊपर स्टायर है, पॉलिटिक्स के ऊपर स्टायर है, और इंटेलेक्ट कॉमा मैनर एंड मोरालिटी, मैनर और मोरालिटी के ऊपर स्टायर है। ठीक है, दोबारा फिर बोल देता हूं, इन गुलिवर ट्रेवल्स देयर इज अ स्टायर ऑन पॉलिटिक्स कॉमा ह्यूमन फिजियोनॉमी कॉमा इंटेलेक्ट कॉमा मैनर्स एंड मोरालिटी। ये आगे दूसरा पैरा लिख लें, इन द फर्स्ट वॉयज, पहले वॉयज के अंदर स्विफ्ट सेटराइजेस ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस चर्चेस एंड देयर फॉलोअर्स, दे आर फॉलोइंग दे आर
फॉलोइंग क्या कर रहे हैं ऑन माइनर, दे आर फाइटिंग, आगे लिख दें, दे आर फाइटिंग ऑन माइनर इश्यूज, एम आई एन ओ आर, माइनर इश्यूज, माइनर क्या होता है छोटे छोटे पिटी इशू के ऊपर लड़ रहे थे। ही सेटराइजेस, वो स्टार करता है द मैनर इन विच पॉलिटिकल ऑफिसेस क्या कर रहे थे, पॉलिटिकल ऑफिसेस वर अवार्डेड, पॉलिटिकल ऑफिसेस किस तरह अवार्डेड किए जा रहे थे। पाशा कैसे अवार्ड करता था कि जो अच्छा रस्से के ऊपर डांस करता है, रॉप के ऊपर अच्छा डांस करता है, उसके सामने आगे पीछे फिरता है, उसको नवाज रहा था वो, ठीक है जी, बाय द इंग्लिश किंग। लें जी ये उसका इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा। अब इसका मैं कंक्लूजन भी आपको बना देता हूँ, बाकी ये असाइनमेंट आपने हूबहू जो मैंने पॉइंट लिखवाए हैं वैसे लिख देना, अगर चाहते हो तो मैं इसके आपको इसका शूट भी सेंड कर दूंगा। टू कंक्लूड, ये तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन, आप इसका कंक्लूजन लिख लें। टू कंक्लूड, अगर हमारे पास कोई डिस्कनेक्ट हो गया तो हम उसे दोबारा ऐड करते हैं। सवन वो डिस्कनेक्ट हो गई है, लेट मी ऐड हर। देखें जो ऑनलाइन है उसे तो मैं ऐड कर सकता हूँ। हाँ जी ये लिख लीजिएगा। अभी मेरे पास कौन 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 मौजूद है, ये कितने लोग हैं, मरियम आप भी मौजूद हैं, हेलो हाँ जी ये लिख लें, कंक्लूजन लिख लें। टू कंक्लूड वी कैन से, कहता है जी कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं, गलिवर ट्रेवल्स आर बिटर कॉमिक एंड क्रॉसिव स्टाइल, कि गलिवर ट्रेवल एक बिटर कॉमिक और क्रॉसिव स्टाइल है। ऑन हिज सोसाइटी, उसकी सोसाइटी के ऊपर, ही वांट्स टू मेंड रिफ्लेक्ट एंड टीच हिज सोसाइटी, वो क्या करना चाहता है देख लें, He wants to mend, reflect, and teach his society. यानी वो अपनी सोसाइटी को मेंड करना चाहता है, रिफ्लेक्ट करना चाहता है, टीच करना चाहता है। आगे लिखें, एवरी सेटरिस्ट, हर सेटरिस्ट एट हार्ट आर रिफॉर्मिस्ट, वो दिल से रिफॉर्मिस्ट होता है, इस्लाहात लाने वाला होता है या इस्लाहात लाना चाहता है, यानी ठीक करना चाहता है सोसाइटी को। स्विफ्ट आल्सो वांट्स टू पिन पॉइंट द वॉइसेस, वॉइसर VICS लिखना है आपने, VICS वॉइसेस, VICSCES, यानी कम, स्विफ्ट वांट्स टू पिन पॉइंट द वॉइसेस, फॉलीज एंड शॉर्ट कमिंग्स ऑफ हिज पीपल, ही हैज सेटराइज्ड वेरी सक्सेसफुली ऑन द पॉलिटिकल टैक्टिक्स जो वो लगा रहे थे, फिजिकल आगे अवार्ड ऑकवर्डनेस, यानी जो बदनुमा चीज़ें थी, फिजिकल जो बदनुमाई थी वहाँ की, इंटेलेक्चुअल फैलसीज एंड द मॉरल शॉर्टकमिंग्स ऑफ हिज पीपल। जोनाथन स्विफ्ट टेक गलिवर्स एज हिज माउथपीस एंड शो द शॉर्टकमिंग्स ऑफ सोसाइटी थ्रू हिज प्रोटैगोनिस्ट। लो जी ये इसका कंक्लूजन है, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं इसका शूट लेके भी सेंड कर दूंगा। आपने ये अगर सोशल स्टाइल से रिलेटेड कोई भी असाइनमेंट आ जाए तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मेरा लिखना है। हाँ जी अब मुझे ये बताएं कि आपको समझ आई है।